हम सबके दिमाग में आ रहा होगा, आज हम एकत्रित क्यों हुए हैं, साथ क्यों बैठे हैं, ये क्या हो रहा है। सबको पता है कि क्या हो रहा है, दिख क्या रहा है, मगर एक सीख होती है जो कभी हम किसी किताब से ले लेते हैं, किसी बुजुर्ग की बातों से ले लेते हैं। तो एक लाइन थी, एक स्टेटमेंट थी जिसमें कहा गया था, वो आदमी ही क्या जो दुनिया को बेहतर ना बना सके। तो इसी सोच को और इसी थॉट को ये लोग जीवित रख रहे हैं। जो आदमी यहाँ पे, जितने भी शख्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनका योगदान है इस दुनिया को बेहतर बनाने में। और शायद मैं अपने भाई के बारे में कहना चाहूँगा, 7 साल पहले, क्योंकि 7 साल हो गए करुणा को, और करुणा के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू हुई थी तो इसकी नींव राहुल ने रखी, और ये सोच के रखी कि दुनिया को बेहतर बनाया जाए। उस टाइम मोटे अलग अलग थे, और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के उभरी, 7 साल में इवॉल्व हुए, लोग जुड़े, और टीम बहुत अच्छी टीम बनी, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। लोग हैं, दुनिया है, साथ चलेंगे और इस देश को बेहतर बनाएंगे, यही सोच रखते हुए आज का ये 7th एनिवर्सरी प्रोग्राम डेडिकेटेड है इस देश को बेहतर बनाने में, और केपी भाई का जिसमें बहुत बड़ा योगदान था, उसके लिए जोरदार तालियों। थैंक यू सो मच। सो मूविंग फर्दर, और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, राहुल भाई है ना, 7 साल से लगे हुए हैं, मैं भी राहुल भाई के साथ ही लगा हुआ हूँ, साथ में थोड़ा थोड़ा, लेकिन है ना, ये कभी किसी की हेल्प नहीं लेते, जो ये सब कुछ करते हैं ये सब अपने आप ही करते हैं, ये किसी का योगदान नहीं है, ये करुणा खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई है।